ओम शांति। नए वर्ष की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और हम सभी भाई बहनों की ओर से बाप दादा को, दीदी दादियों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष आते ही हम जनवरी मास में विशेष ब्रह्मा बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बाप दादा ने अव्यक्त महावाक्यों में अनेक सहज विधियां बताई, अनेक युक्तियां बताई, कैसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, कैसे ब्रह्मा बाप समान बन नंबर वन में आने का पुरुषार्थ करना है। तो ऐसी अनेक विधियां हम भाई बहन मनन करेंगे। सबसे पहले सुनेंगे दादी रतन मोहिनी जी का नए वर्ष पर शुभकामना संदेश, फिर बाबा समान बनने की सहज और सरल युक्तियां जानेंगे। दादी रतन मोहिनी जी, हम भाई बहनों को समय समय पर अनेक इशारे देती हैं, तीव्र पुरुषार्थ के लिए अनेक युक्तियां बताती हैं। ऐसे ही मधुबन घर से विशेष संदेश दिया। दादी कहती, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख चलने वाले सदा ब्रह्माचारी श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, वर्तमान समय आप सब अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आने वाली हर परिस्थिति को पार करते हुए बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लक्ष्य की ओर सदा आगे बढ़ते जा रहे हो। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने समय प्रति समय ब्रह्मा बाबा के विशेष पुरुषार्थ पर हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते हुए यही श्रेष्ठ मत दी है। बच्चे साकार स्वरूप में 84 जन्मों का पार्ट प्ले करने वाली अनुभवी आत्मा के अनेकानेक अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए आप बच्चे भी उनके समान संपन्न बनो। कैसे वे अपनी नॉलेजफुल स्टेज द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाकर अनेक परिस्थितियों को पार करके पास विद ऑनर बने, सब कार्य करते हुए कैसे निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बन अपनी संपन्नता व संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त किया। उनके हर संकल्प, बोल और कर्म, उनके दिव्य संस्कार हम सभी ब्रह्मा वस्तुओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्मा बाप को कदम कदम पर कॉपी करने के लिए बाप दादा ने विशेष हम बच्चों को अव्यक्त महावाक्यों में अनेक सहज विधि और युक्तियां बताई हैं, जिनमें से कुछ विशेष बातों का मनन करेंगे। पहली विशेष बात है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, अर्थात उनका साथ निभाना। साथ ही अर्थात हर कदम में, हर संकल्प में, बोल में साथ निभाने वाले जो सच्चे साथी हैं, उन्हों का हर एक कदम स्वतः ही बाप समान चलता रहता है, यहां वहां हो नहीं सकता। सच्चे साथी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। सच्चे साथी बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में सदा यही समाया हुआ रहता है कि मैं बाप का, बाप मेरा। दूसरी विशेष बात है सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को दो स्थितियों में स्थित रखो।
बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भाव, विदेही भाव, निराकारी भाव। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात सदा अव्यक्त स्थिति भाव, फरिश्ता स्वरूप भाव, आकारी स्थिति भाव। इन दोनों परिस्थितियों में स्थित रहना फॉलो फादर करना है। इससे नीचे व्यक्त भाव, देह भान, व्यक्ति भाव, इसमें नीचे नहीं जाओ, अर्थात सदा दो स्वरूपों में स्थित रहना, निराकारी आत्मा स्वरूप में और संपूर्ण संपन्न फरिश्ता स्वरूप में। बाबा कहते जब कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो और कर्म होते ही अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व की सैर करो और सर्व आत्माओं को परमात्म शक्ति की अनुभूति कराओ। जब समय मिले निराकारी बन निराकारी दुनिया में, निराकारी पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करो। तीसरी विशेष बात है सर्व प्राप्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होने का सहज साधन है फॉलो फादर। जीवन में बचपन से फॉलो करने के अनुभवी तो हो ही, बचपन में भी बाप बच्चे को अंगुली पकड़कर चलने में, उठने बैठने में फॉलो करते हैं। फिर जब गृहस्थी बनते हैं तो भी पति पत्नी एक दो के पीछे फॉलो कर चलना सिखलाते हैं। फिर गुरु करते हैं तो गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं अर्थात फॉलो करने वाले। तो लौकिक जीवन में आदि से अंत तक फॉलो करना होता है। ऐसे अलौकिक पारलौकिक बाप भी एक ही सहज साधन बताते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बात है फॉलो फादर। चौथी विशेष बात है साकार रूप में हर कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी, कर्म में कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंधों को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक पैसा सफल करने में, साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने, कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने। तो साकार जीवन को फॉलो करो। पांचवी सहज युक्ति है पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो फादर ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है। लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, हर कदम में ब्रह्मचारी। जिसकी सहज युक्ति बताते बाबा कहते निराकारी पिता परमात्मा को निराकारी आत्मा अनुभव कर याद करो और उनके समान संपूर्ण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करो। ब्रह्मा बाप को कॉपी करने के लिए संकल्प बोल और कर्म ब्रह्मा बाप समान हो। छठी विशेष विधि है जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा, उनके
अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देते थे। मुरली में कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, उस अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्मानता है, निरअहंकार है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे और प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर, इस साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप ही है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वालों में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्मानता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दें। सातवीं सहज युक्ति है ब्रह्मा बाप की अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है कमलासन। तो अपने आप को चेक करो कि मैं बाप समान कमल आसनधारी हूं। अति प्यारे की निशानी है वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे होंगे। ब्रह्मा बाप समान चार बातों में न्यारा बनना। पहला, अपने देह भान से न्यारा। दूसरा, इस देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। तीसरी बात है देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित ना करे, आसक्ति भाव उत्पन्न ना हो। चौथी बात है पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा। आठवीं सहज विधि बाबा ने बताई, जैसे साकार ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे, घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। नवी सहज विधि है सर्व के सहयोगी, स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी, इतना बच्चों का प्यारा होते भी सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा, बेहद का वैराग्य, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन, अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। तो फॉलो फादर, कोई भी राज्य कारोबारी धोखा ना दे। दसवीं विधि है जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प में भी सर्व की विशेष, सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह मिलाया, वाणी द्वारा हिम्मत दिखाई, ना उम्मीद को उम्मीद मिलाया, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने के निमित्त बने, हर एक को सेवा के योग्य बनाया। ब्रह्मा बाप के हर बोल अनमोल, मधुर, युक्ति युक्त थे, ऐसे फॉलो फादर। अच्छा, और विशेष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की विधि अगले वीडियो में फिर जानेंगे।
अच्छा, ओम शांति।